हेलो स्टूडेंट, कक्षा 5 हिंदी ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ स्टूडेंट। तो आज मैंने आपको पहला पत्र लेखन लिखाया था, तो दूसरा मैं आपको पत्र लेखन लिखाऊंगी। जैसे आप बड़े हो गए तभी आप जो रिपोर्ट लिखते हो अपने प्रधानाचार्यों को, अगर आपको शादी में जाना है या तो बीमार हो गए हो कहीं घूमने जाना है, तो स्कूल में 2 दिन के लिए छुट्टी का जो प्रार्थना पत्र होता है वो कैसे लिखते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो मैंने आपको परिभाषा बताई दी है। पत्र लेखन लिखते समय खास ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड सब लिखना है। पहले तो आप स्कूल में लिखते हो तो उसका एड्रेस लिख दो, फिर आपका नाम लिखना है और फिर उसका विषय लिखना है। जो इसमें लिखा है वो आपने लिखना। आपको अपने स्कूल का एड्रेस लिखना है, जैसे आप लिख सकते हो SPS माधापुर, गंगेश्वर रोड माधापुर। फिर दिनांक लिख सकना है, फिर लिखना है प्रधानाचार्य जी। फिर आप जो भी आपका नाम है वो लिखना है, फिर आप हमारे जो पिन कोड नंबर थे वो, फिर किस विषय के बारे में लिख रहे हो वो, 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। आपके कितने दिन की छुट्टी है? 2 दिन की लेनी है। कितने दिन की? 2 दिन की। तो विषय लिखेंगे, ठीक है। पेंसिल अवश्य रखिए स्टूडेंट। तो आपको समझ में आए कि हमें क्या लिखना है, तो मैं जो बोल रही हूँ वो आप लिखते जाइए तो आपको पता चले। स्कूल का एड्रेस आप अपने आप लिखोगे, आप बड़े हो, मुझे इधर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको स्कूल का एड्रेस लिखना है, आपका नाम लिखना है, फिर आपको कौन से छुट्टी दिन चाहिए, कितने दिन, वो विषय करके लिखना है। तो मैं चलिए बताऊं कि आपको प्रार्थना पत्र में क्या लिखना है। महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5 सौ में पढ़ती हूँ। मुझे पिछले 2 दिनों से बुखार है, डॉक्टर ने 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, इसी कारण मैं दिनांक 10 और 11 सितंबर 2020 को विद्यालय नहीं आ सकूंगी। अंततः आप मुझे इन 2 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो आप अपने आचार्य को कैसी प्रार्थना पत्र लिखोगे वो मैंने बताया। फिर आप लड़के हो तो 5 में पढ़ता हूँ, लड़की हो तो पढ़ती हूँ, 2 दिन की छुट्टी चाहिए आराम करने के लिए डॉक्टर ने बोला है, तो आप छुट्टी रखने का प्रयास बताएं ऐसे प्रार्थना करके। फिर आप कृपा करें ऐसे लिख सकते हो। फिर लास्ट में लिखना है धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या क ख ग, यानी कि आपका नाम, आपका जो नाम है वो, और फिर कक्षा 5। हमारा कोई अ ब क ड अभी नहीं है, तो हमें सिर्फ लिखना है कक्षा 5। तो ये आप जब भी बड़े हो गए तभी आपको अपना CL रिपोर्ट, यानी कि आपका जो ये पत्र होता है, चिट्ठी बोलते हैं जिसको, वो आपको सर को देने की होती है। तो आपको कैसे लिखना है तो ये आपको मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आपको काम आ सके। तो ये पक्का करना है और बाद में नोट में लिखना है। तो 2 पत्र लेखन हमारे हो गए, इन दोनों की तैयारी हमें करनी है। थैंक यू स्टूडेंट।